नमस्कार, मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं NIVH के आदर्श विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल हूँ। आज जैसा कि कोरोना वायरस संपूर्ण दुनिया में फैला हुआ है, इस महामारी को रोकने में मास्क हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे परम आदरणीय निदेशक महोदय की प्रेरणा से हमने कुछ मास्क यहाँ पे तैयार किए हैं। ये एक साधारण मास्क है जिसका शेप और साइज बिल्कुल सर्जिकल मास्क की तरह उसी से लिया गया है। ये डबल लेयर है। ये एक कॉटन मास्क है जो कि हवा में मौजूद ड्रॉपलेट या वायरस को रोकता है। इसी प्रकार हमने एक विशेष मास्क यहाँ पे तैयार किया है जिसमें एक ट्रांसपेरेंट सीट लगाई गई है। यह मास्क हमारे जो मूक बधिर बच्चे होते हैं, जिनको एक साधारण मास्क लगाने की वजह से लिप रीडिंग में समस्या आती है, उनकी समस्याओं को देखते हुए हमने एक विशेष प्रकार का मास्क तैयार किया है। आइए जानते हैं इस विशेष प्रकार के मास्क की बनाने की विधियां। ये हमारे साथ हमारे टेलर मास्टर जी श्री प्रीतम जी हैं। ये आपको बताएंगे कि कैसे हम ये एक विशेष मास्क तैयार कर रहे हैं। ये क्रॉस पैड मास्क बनाने के लिए हम इसकी लंबाई रखेंगे कपड़े की 8 इंच और इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 7.5 इंच, ताकि हमको ये 7 इंच तैयार मिल जाए। फिर हम इसको प्लास्टिक की सीट डालने के लिए हम इसको कटिंग करेंगे। ये हम इसको 1.5 इंच चौड़ा रखेंगे लगभग। फिर हम इस सीट को इसके अंदर इधर से डाल देंगे। यहाँ पे सिलाई की डबल लेयर लगाई जाती है जिससे कि किसी भी तरह की ड्रॉपलेट या किसी भी तरह का कोई भी जो वायरस है वो इस प्लास्टिक सीट से कपड़े के द्वारा अंदर प्रवेश ना कर पाए।
ताला चीनी की तरह पड़ेगा सर। तो देखा आपने कितनी सहजता से हमने एक यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मास्क तैयार किया है। अब तक इस तरह के हम यहाँ पर कुल मिलाकर 800 मास्क तैयार कर चुके हैं, जिनमें से लगभग 250 मास्क हमने राजपुर पुलिस को दिए हैं और लगभग 500 मास्क अपने संस्थान में वितरित किए हैं। थैंक यू।